नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जी एस श्याम। रोड पे थोड़ा उजाला कर दूं अब, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं हूं जनता, वही रोज की तरह 6 घंटा 7 घंटा आराम करने वाली जगह मीरा रोड पर। अब अभी जस्ट सीएनजी भरा हूं, पैसेंजर को ड्रॉप करके जस्ट सीएनजी भरा हूं। एक ही गाड़ी की लाइन थी, तुरंत सीएनजी मिल गया मुझे। और देखते हैं अभी यहां से कब तक अपने को बुकिंग मिलता है। अभी मैं गोल्डन नेस सर्विस की सर्कल की तरफ जा रहा हूं। तो कहानी ये थी फ्रेंड्स कि आज मैं घर से निकला थोड़ा जल्दी। आज मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप नहीं ओपन किया क्योंकि आज लेट गया था, इंटरसिटी बुकिंग लिया था मैंने, तो नींद काफी ज्यादा। आराम से सोया मैं, 7 बजे तक सोया ही रह गया शाम को। तो नहाया धोया वैसे ही मैं 9 बजे घर से निकला। पार्किंग वगैरह में गाड़ी वगैरह क्लीन करके 10 बज गया मैं, और एयरपोर्ट पे 10:30 बजे पहुंचा मैं। T1 पे आज मैं बोला T1 पे चलते, तो T1 पे गया मैं। और भाई साहब T1 पे तो भाई पूछो मत यार, पार्किंग में जगह ही नहीं फ्रेंड्स। T1 पार्किंग में जगह ही नहीं, इतना ज्यादा भसड़ मचा है बाहर तक, पूरा जाम है T1। तो कैसे कैसे करके भाई बुकिंग भी बहुत स्लो T1 पे बुकिंग का नामो निशान है। तो T1 जाने का फैसला गलत निकला। हालांकि बुकिंग लगा और उबर ने और भी फेयर फिर से कम कर दिया। 12 बजे के पहले मुझे बुकिंग मिला और उबर ने और भी फेयर लो कर दिया। कुछ 11:50 पे मुझे बुकिंग आई थी 52 मिनट पे उबर का, मैंने उठा लिया। और जो बुकिंग आई थी वो घनसोली का था, 500 से कम ही फेयर मिला मुझे। फ्रेंड्स दिखा देता हूँ आप लोग को स्क्रीनशॉट के साथ, चलो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो उसके बाद फेयर कितना मिला आखिर मुझे भी तो मालूम पड़ जाए। और मीरा रोड में हूँ यार, यहाँ से देखते हैं। अभी एक बुकिंग और लो फेयर का भी मैं कम्प्लीट कर लूंगा ना उबर का, मुझे 300 रुपया इंसेंटिव आ जाएगा। और उसके बाद हर बुकिंग पे 100 रुपया इंसेंटिव आएगा उबर का एयरपोर्ट से। मस्त भाई है, एक बुकिंग करने के बाद हर बुकिंग पे 100 रुपया मुझे एयरपोर्ट से बुकिंग आएगा। तो पहली बुकिंग जो घनसोली का मिला था मुझे 28 किलोमीटर, जनता स्क्रीनशॉट बाद में डालता हूँ, 28 किलोमीटर का 526 और 45 रुपया टोल, पौने 600 रुपया मिला है। घनसोली पैसेंजर को ड्रॉप किया, ड्रॉप करके बस एक चाय की सुटकी लिया, सीट वगैरह रिक्लाइन करके आराम से बैठने जा रहा था। एक बुकिंग आया Terminal 2 का, मैंने बोला वाह भाई आओ देखा ना था, कुछ भी फेयर उन्हें तो उबर का ही था। उठा लिया मैंने, तुरंत उठा लिया, 23 किलोमीटर का 316 और 45 रुपया टोल, यानी यहाँ पे भी कुछ 360 रुपया मुझे मिला है। सिर्फ 40 मिनट लगे पैसेंजर को ड्रॉप किया और बुकिंग ले गया था गोल्डन नेस सर्विस आगे जनता, जहाँ पे आग लगी थी। तो अब भाई साहब बुकिंग ले गया मैं उबर से, तो उबर जाहिर सी 4 बुकिंग तो बजाता ही बजाता, और 4 बुकिंग बजाया भी भाई, दनादन 4 बुकिंग बजाए, 2 बुकिंग बजाए, तीसरा बुकिंग मुझे मीरा रोड का बजाए। मैंने उठा लिया फटाक से, मैं बोला भाई उठा लो, 2 बजने में जो 4-5 मिनट बाकी है उससे पहले ही बुकिंग ले लो। तो जो बुकिंग लिया मैंने 475 रुपया 25 किलोमीटर का मिला है, 45 रुपया टोल मिला, यानी 525 रुपया मिला। तो इस तरह से जो आज काम हुआ है 1500 रुपए का काम हो गया। और जो टाइम हो रहा है अभी 3:07 हो रहा है, 3:07 हो रहा है, 1500 का काम कर लिया। और मैं खड़ा हूं मीरा रोड, ये देखो फ्रेंड्स मीरा रोड, ये ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर है, सामने जहां लाइट मार रहा हूं ना ये भयंदर ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर है। और गोल्डन नेस पे हूं, जहां पे आग लगी थी पीछे, जहां पे आग लगी थी वहीं पे खड़ा हूं मैं। तो इस तरह से क्या बता रहा था मैं, गाड़ी कितना किलोमीटर चलाया फ्रेंड्स, टैंक मैंने रिसेट कर दिया तो कुछ 85, और खाली भी आया था मैं तो 90 रुपया टोटल मैंने गाड़ी चलाया, 90 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, 90 किलोमीटर गाड़ी चला के 1500 का काम कर लिया, अच्छा काम हो गया। क्योंकि 2 बुकिंग एयरपोर्ट से अच्छी खासी मिल गई, और टोल रिफंड भी 3 बुकिंग में अपने को 3 टोल रिफंड भी आ गया। तो चलो यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं गोल्डन नेस सर्विस पे आज क्या हाल है। आज भी जीरा भयंदर में 6-7 घंटा सोना पड़ता है, बुकिंग अपने को मिल जाएगी, उम्मीद है कि आज बुकिंग मिल जाएगा क्योंकि आज उबर अपने को कंटिन्यू बुकिंग दे ही रहा है। तो जनता आ गया हूँ घर पे, गाड़ी पार्क वगैरह कर जाओ। मीरा रोड की कहानी वही थी, मीरा रोड पे बैठा का कुछ देर, मैं मीरा रोड पे बैठा 1 घंटा तक बैठे बैठे मोबाइल में थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक और ये सब व्हाट्सअप मिले कि आप बुकिंग नहीं आए। तो सीट वगैरह रिक्लाइन किया, सो गया वहां पे 6 बजे तक, आराम से 6 बजे सोया। 6 बजे मुंह वगैरह धो के गाड़ी, जैसे मुंह धोकर गाड़ी में बैठा ना वैसे मुझे भयंदर से एक बुकिंग आती है, भयंदर ईस्ट से एक बुकिंग आती है, और वो बुकिंग था गोरेगांव का। मैं बोला ले लेता हूँ, तब उबर का बुकिंग था, और उबर ने भाई वासी में तो सर्च देना एकदम बंद ही कर दिया यार, सर्च एकदम खत्म ही कर दिया लोग। क्या सर्च मिला करता था वासी में, आज वासी में खड़ा था मैं करीब 1.25 घंटा तक, वासी में कोई बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं किया। इतने हाईवे भी ट्रैफिक में भी जाओ
और नॉर्मल बुकिंग नॉर्मल फेयर 30-30 किलोमीटर का 400 दिखा रहा था, नहीं लिया मैंने नरीमन पॉइंट वगैरह वहां से। तो 1500 का काम करके मैं बैठा था मीरा रोड, मीरा रोड से मुझे एक बुकिंग जो लगी गोरेगांव, गोरेगांव का जो मुझे फेयर मिला फ्रेंड्स, जो बुकिंग लेके आया था मैं पैसेंजर को, टोल के साथ 300 रुपया मिला मुझे, टोल के साथ 300 रुपया मुझे दे दिया, और जो फेयर लिया उबर ने 312। यही काम ओला को करना चाहिए था तो आज ओला की हालत इसी नहीं होती थी। कमीशन वहां पे एकदम कम कर लो, कम कमीशन, लेकिन उसको कमीशन चाहिए, अपने को फिर क्या कर सकते। अब देखो 312 रुपया लिया है और उसमें से 212 मतलब 300 रुपया तो मुझे ही दे दिया, 290 रुपया मुझे ही दे दिया फ्रेंड्स। ये देखो 246 और 45 रुपया टोल, 290 मुझे दे दिया, 312 फेयर लेके ऊपर ने, जो कि वो टैक्स भी उतना कट गया होगा, टैक्स तो छोड़ी दो 5%, यानी कुछ भी कमीशन नहीं लिया। ये ऊपर कर रहा है, कंपटीशन तो ऊपर में लगा है, फेयर भी काफी कम कर चुका है। तो वहां पे पहुंचा मैं तो थोड़ा बहुत मटर गश्ती किया, इधर उधर घूमा, वैसे मुझे एक बुकिंग लग गया मलाड वेस्ट से। मलाड वेस्ट से जो बुकिंग लगा मुझे अच्छा फेयर लग रहा था और मैंने ले लिया, हालांकि 35 किलोमीटर था, 35 किलोमीटर मतलब मैं वासी ड्रॉप किया जुहू नगर मलाड से, 35 किलोमीटर 1 घंटे 8 मिनट लगे, 453 और 45 रुपए टोल, यानी 500 रुपए इसका मिला मुझे 35 किलोमीटर वासी गया जूही नगर बैठा ही था। इतना बुकिंग बज रहा भाई उबर, इतना बज रहा, ओला बजी नहीं रहा, क्योंकि ओला का सर्च का फेयर काफी अच्छा है, ओला सर्च के टाइम फेयर नहीं कम किया, उबर ने फेयर कम कर दिया, ओला तो कमीशन भी ले रहा पेल के बूमबाम। तो नरीमन पॉइंट बज रहा वहां से 390 रुपया, एयरपोर्ट बज रहा है 350 रुपया, और एकदम हाईवी ट्रैफिक, 2-2 घंटा एयरपोर्ट जाने में लगता उस टाइम, एकदम हाईवी ट्रैफिक के टाइम। तो मैं बोला भाई एक अंधेरी इसका रिजर्वेशन बुकिंग आया था 450 रुपया भाई, 19 किलोमीटर का मैंने पिक किया लेकिन किसी और को चले गया वो, तो छोड़ दिया मैं, बोला अब तो घर वैसे भी अंधेरी जाता वहां से खाली आना पड़ता। तो मुझे एक बुकिंग लगता है मानखुर्द मेट्रो डिपो जो बन रहा है फ्रेंड्स, मंडाला पे है जो अपन, मैं बताता हूँ लोकेशन आपको, ये लोकेशन आप घाट गोबर की तरफ से वासी वाला जब रोड पकड़ोगे गोंडी वाला, तो दो रोड हो जाएगा, वासी की तरफ चले जाओगे फिर राइट साइड मानखुर्द स्टेशन चेंबूर तरफ चले जाओ, लेकिन सीधा एक सबवे दिखता है उसके अंदर से घुस के जाओगे तो सीधा ट्रॉम्बे रोड जाता है। तो थोड़ा दूर क्रॉस करने के बाद उसको क्या कौन सा पीएमजीपी या लल्लू भाई क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र नगर मंडाला बोलते, तो वहां पे मेट्रो डिपो बन रहा, वहीं से मानखुर्द का मेट्रो वहीं से निकलेगा, कारशेड बन रहा, तो वहां का ही काम करने वाले थे, और भी वहां पे कई बार मुझे बुकिंग वहां पे लग चुका है। तो पैसेंजर को वहां पे ड्रॉप किया और ओला का भाई साहब मानना पड़ेगा, ओला का जो पेमेंट दिया ना फ्रेंड 9 किलोमीटर का, मैं आपको दिखा दो क्या दिया, 9 किलोमीटर का दिया है 250 रुपया, ये देखो जनता ऐसा है ओला सर। और टाइम देखो सिर्फ 21 मिनट लगे, सिर्फ 21 मिनट। तो इस तरह से आज काम जो हो गया फ्रेंड्स अपना हो गया है 18-5-23 और ये 250, 2500 रुपए का मैंने काम कर लिया है, और जो गाड़ी चलाया है मैंने 90 और 80, 170 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है, यानी 500 की सीएनजी में आज मैंने जो काम किया है 2500 का काम किया है। ठीक है भाई साहब, आज भी तो कल भी 2000 कमा लिया था, कल 2000 से अच्छा बचाया था, आज भी 2000 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट कर चुका हूँ और चलता हूँ घर में। आज थोड़ा जल्दी निकला था मैं, लेकिन T1 जाने का जो निर्णय है ना रात में बहुत स्लो T1 का, मंगल बुध को वैसे भी ना फ्लाइट्स कम रहती है एयरपोर्ट पे, तो आज फिर से वही डेली रूटीन के साथ निकलेंगे अपन, जल्दी नहीं क्योंकि आज शॉप ओपन करूंगा भाई, कल शॉप ओपन नहीं किया, आज तो ओपन करना ही पड़ेगा, परसों भी शॉप ओपन नहीं किया, 2 दिन मैंने शॉप नहीं खोला अपनी, तो आज पहले शॉप ओपन करेंगे आराम से 10-11 बजे बंद करके आराम से 12 बजे वाला टाइम फिर से पकड़ेंगे और देखेंगे क्या हिसाब से काम होता है जनता। तो चलते हैं भाई साहब बूम बाम।